क्या आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सोचा था कि कभी आपको धन की कमी नहीं होगी? आपका बिजनेस, आपका दुकान, आपका जॉब आपके सारे सपने पूरे करेगा, आपके घर वालों के सपने पूरे करेगा। और क्या अब आप ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं? क्या आपको ऐसे लगता है कि आपका घर, आपका दुकान, आपकी फैमिली नेगेटिव एनर्जी से भर गई है, आपके काम सही नहीं हो रहे हैं, काफी घाटा हो रहा है? तो दोस्तों, आपकी सारी समस्याओं का समाधान है मेरे पास। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा सिद्ध किया हुआ उपाय है जो बहुत ही पुराना है। आप इस उपाय को कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इसके लिए आपको चाहिए पीपल के पत्ते। जी हाँ, पीपल बहुत ही पावन सा वृक्ष है ये। इसके पत्तों पर आपको स्वास्तिक बनाना है। और याद रखिए, ये पत्ते आपको तोड़ने हैं अपने हाथों से, नीचे गिरे हुए पत्ते आपको नहीं लेने हैं। ये पत्ते साफ पानी में आपको धोने हैं, चाहे तो आप गंगा जल भी ऐड कर सकते हैं उसमें। अगर नहीं है तो आप साफ पानी से इन पत्तों को धोइए, इन्हें सुखाइए और फिर इन पत्तों को आप एक साफ सुथरी जगह पर रखिए, इस तरीके से। उसके बाद इन पत्तों पर आपको सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। हर एक पत्ते पर आप स्वास्तिक बनाइए। और जब आप स्वास्तिक बना रहे हैं तब आपको एक मंत्र उच्चारण करना है। वो मंत्र इन पत्तों पर बने स्वास्तिक के साथ आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करने में आपकी सहायता करेगा। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आपको स्वास्तिक बनाना है ताकि पूरे पत्ते पर आप स्वास्तिक बना लें। तो दोस्तों, इस तरीके से स्वास्तिक बनाने के बाद सारे पीपल के पत्तों को इकट्ठा करके आपको एक काले कलर का कपड़ा लेना है। उस पर इन पीपल के पत्तों को रखकर आपको फोल्ड करना है, इस तरीके से। उसके बाद आपको मौली लेनी है, ये भी बड़ी पावन पवित्र होती है। तो इस तरीके से आपको इस पर मौली बांध देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कपड़े को लेकर जाएं आपके दुकान, ऑफिस। अगर आप ऑफिस नहीं लेकर जाते हैं तो ऑफिस का कोई भी सामान जो आपके घर पर है, बुक्स, लैपटॉप, आपके ऑफिस का कार्ड जो भी है, और आपका दुकान, जहां भी आपकी पहुंच हो सकती है, आप इसे जाकर उसको 7 बार छुआइए। आप दरवाजे पे भी लगा सकते हैं, चौखट पे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपको इन पीपल के पत्तों को ले जाकर किसी भी नदी या बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है। तो दोस्तों, इन पीपल के पत्तों को प्रवाहित करने से पहले आपको अपने हाथ में लेकर एक बार फिर से मंत्रोच्चारण करना पड़ेगा। 11 बार आप इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए और भगवान को याद कीजिए। बस उसके बाद आपको इसे प्रवाहित कर देना है। इन्हें प्रवाहित करने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको सीधे अपने दुकान या ऑफिस में चले जाना है। देखिएगा, आपके ऑफिस या दुकान पर पहुंचने से पहले ही आपको कुछ न कुछ गुड न्यूज मिल जाएगी और ये संकेत रहेगा भगवान का कि देखिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। और बस उसके बाद तो आप खुद ही पूरा महसूस करेंगे कि इतने सारे अच्छे अच्छे अनुभव होंगे आपके साथ, आपको आपके बिजनेस में काफी सारी सफलता मिलेगी। आप देखिएगा आपको किस तरीके से गुड न्यूज आ रही है, पूरी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से चली जाएंगी। आप खुद सरप्राइज हो गए कि इतना सारा सब कुछ अच्छा मेरे साथ अचानक क्यों हो रहा है, और वो हो रहा होगा इन पीपल के पत्तों के जरिए। आप विश्वास कीजिए और सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को कीजिए। देखिएगा आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और आपके पास पैसों की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तो इस मंगल कामना के साथ मैं आपको इस उपाय का मंत्र बताती हूँ। आपको इस नंबर पर कॉल करके ही अपने मंत्र को लेना होगा। जी हाँ, ज्योतिषाचार्य भूमि पांडे जी से आपको संपर्क करना होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ
क्योंकि देखिए आपकी जन्म तिथि अलग है, स्थान अलग है, टाइम अलग है, जैसे राशिफल अलग अलग होते हैं, एक ही मंत्र सारी राशियों पर नहीं जाएगा। हर एक के कुल देवता अलग होते हैं, ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं, तो उस हिसाब से आपको एक मंत्र दिया जाएगा जिससे आपकी जल्द से जल्द तरक्की होगी। आप ही सरप्राइज हो जाएंगे अपनी लाइफ में इतने सारे गुड न्यूज और चेंजेस देखकर। आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं हो, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, बिजनेस में बहुत सारी तरक्की रहे, इसी शुभ विचार के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। जय माता दी।